नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं श्रेया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले देखिए अहम खबरों की हेडलाइंस। चेन्नई के अद्यार में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए लाइफ इन 3 डिजिट्स विषय पर वर्कशॉप, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी कार्यशाला। मैसूर के हुनसूर में आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से विशेष रथ यात्रा, श्री श्री सोमेश्वर बाबा की प्रतिमा को किया स्थापित। महाशिवरात्रि तक 300 गांवों में देंगे ईश्वरी संदेश। और यूके के लिसेस्टर में फाइंडिंग योर पावर विषय पर टॉक, संस्था के एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी ने किया एड्रेस। चेन्नई के अद्यार सेवा केंद्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन सेशन रखा गया, जिसका विषय था लाइफ इन 3 डिजिट्स। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर संस्था के मुख्यालय से आए CACSBK के रमेश त्रिमूर्ति ने 70 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के विषय पर जानकारी दी और आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति और वर्ल्ड साइकिल को लाइफ के 3 डिजिट्स बताया। स्पिरिचुअलिटी इज अवेलेबल, स्पिरिचुअल नॉलेज इज अवेलेबल टू एनर्जाइज अवर माइंड एंड थॉट एनर्जी। Because what spirituality tells us to look introvert. Spirituality tells us that our experience of the outer world is reflection of our experience in the inner world. So inner outer world is a reflection of the inner world. अध्यार के निदेशिका बीके डॉक्टर मुथुमणि ने सभी का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। उनके बाद बीके रमेश त्रिमूर्ति, CAJ बाला सुब्रमण्यम ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने अपने मन के नकारात्मक विचारों को पेपर पर लिखकर परमात्मा को अर्पण किया और बदले में ब्लेसिंग कार्ड्स लिए। ऐसे ही हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें चर्चा का विषय रहा नई शुरुआत। इस विषय पर चर्चा के लिए प्रमुख वक्ता के तौर पर मुंबई के मोटिवेशनल स्पीकर ईवी गिरीश और अध्यार की प्रभारी बीके मुथुमणि मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान ZI क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर जी विश्वनाथन ने बीके ईवी गिरीश का स्वागत किया। उसके बाद बीके ईवी गिरीश ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को संबोधित करते हुए कहा कि कैसे वर्तमान क्षण में न होना हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है। ट्रस्ट योरसेल्फ, द सोल, not my position, not my intelligence, not my awards, not my reward, not what I've achieved. With whatever achieved, a lot of people have made a lot of grave mistakes also. So trust the supreme, trust the inner self, the soul. अंत में अनुभवों की लेन-देन और प्रश्न-उत्तर के जरिए 50 हेल्थ प्रोफेशनल्स ने अपने सवाल बीके ईवी गिरीश से पूछे। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर आयोजित हुए स्नेह मिलन में पंजाब के मोहाली के प्रभारी बीके प्रेम दीदी और लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा दीदी विशेष तौर पर उपस्थित रहीं और अपने समर्पित जीवन के अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। सबको सुख दें तो सुख अपने आप मिल जाएगा, सुख लेना तो जबरदस्ती थोड़ी है किसी से सुख लेना। अब हो सकता है आपकी मनसा ना हो मुझे सुख देने की, पर मैं फील करूं मेरा काम है देते जाना। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी दीदी के प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम में लखनऊ के बीके दिव्य और मोहाली के बीके सुमन भी मुख्य रूप से मौजूद रही। मैसूर के हुनसूर में आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से एक विशेष रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा में श्री श्री सोमेश्वर शिव बाबा की प्रतिमा की प्रतिकृति को रथ में रखा गया है और लोगों को निराकार परमपिता परमात्मा शिव का परिचय देने के साथ ही ईश्वरीय संदेश दिया गया। 2 दिनों में ये रथ यात्रा लगभग 200 किलोमीटर यानी 11 गांवों की यात्रा कर चुका है और अब तक 6000 से ज्यादा लोगों ने सोमेश्वर बाबा के दर्शन कर आध्यात्मिक ज्ञान का सोपान किया है। इस रथ यात्रा को महाशिवरात्रि तक अलग अलग 300 गांवों में ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
कर्नाटक के चिकमंगलूर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आशा किराना आवासीय ब्लाइंड स्कूल में कार्यक्रम किया गया। बीके भाग्यलक्ष्मी ने छात्रों को मेडिटेशन का महत्व बताते हुए मेडिटेशन करने का तरीका सिखाया। कार्यक्रम में चिकमंगलूर जिला प्रभारी कृष्ण गौड़ा, आशा किराना ब्लाइंड स्कूल के ट्रस्टी एवं प्रिंसिपल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ब्लाइंड छात्रों के लिए कई वैल्यू गेम्स भी रखे गए थे, जिनका सभी बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। बिहार के बढ़िया सेवा केंद्र की 9वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मीडिया कर्मियों का ब्रह्मा कुमारी की ओर से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में दैनिक भास्कर के शशि कुमार, दैनिक जागरण के शेखर कुमार सिंह और हिंदुस्तान अखबार के दिग्विजय कुमार का सम्मान बढ़िया सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोशनी, मोकामा सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा ने किया। वेस्ट बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में आध्यात्मिक ज्ञान और महिला सशक्तिकरण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में घाटल केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, दीर्घा ग्राम हाई स्कूल के शिक्षिका वंदना डे, घाटल नगर पालिका के पूर्व काउंसलर दिव्येंदु डोगरा, डॉक्टर तापस मिश्रा और डॉक्टर शंभुनाथ साखी मौजूद रहे और महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त किए। इस आयोजन से पूर्व कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए बीके सदस्यों द्वारा रैली भी निकाली गई थी। ऐसे हुगली के राजहट्टी में राजयोग ध्यान के साथ स्व प्रबंधन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तमलुक सबजोन प्रभारी बीके अल्पना, चायपत सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरस्वती, राजयोग शिक्षक बीके धनंजय मुख्य रूप से उपस्थित रहे और कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में लोगों का मार्गदर्शन किया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूके के लिसेस्टर में फाइंडिंग योर पावर एंड डिस्कवरिंग योर सेल्फ वर्थ विषय पर स्पिरिचुअल टॉक का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम हार्मनी हाउस में हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी ने अपने विचार रखे और कहा कि हम जो अपने माइंड में फीड करते हैं उसका हमारी पर्सनालिटी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। When I come to that awareness of my own spiritual identity, not my physical identity, then in that awareness of the inner being, I'm able to feel the presence of the divine. And in that experience, I can feel love and peace and truth reaching me. And this isn't a unique experience just for a lucky handful. Anybody who comes to study for just an hour each day for a few days will be able to understand this and try it out for themselves. इंडोनेशिया के भारतीय वाणिज्य दूतावास देनपसार बाली में हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके जानकी ने भी हिस्सा लिया। बाली की नई काउंसुलेट निहारिका सिंह ने इस मौके पर कई भारतीयों को आमंत्रित किया था। यह कार्यक्रम बाली इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन यानी BIFA की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने रंगारंग कार्यक्रम के बीच बातचीत और भोजन का आनंद लिया। ऐसे भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी बीके जानकी शामिल हुई। उनके अलावा अलग अलग धर्मों के 80 लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बीके जानकी, इंडियन काउंसिल जनरल निहारिका सिंह और SVCC बाली के डायरेक्टर मिस्टर नवीन मेघवाल से भी मिले और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से अवगत कराया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।